तो हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आपको पता है भाई, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, विंटर सर्दी बहुत ज़्यादा पर हो गई है। तो मैं बता दूँ आपको, अगर आपके पास छोटा पपी है या फिर आप लाने वाले हो, आपको ज़रूरी है लेके आना। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए कि आप अपने पपी को कैसे सर्दियों से बचा सकते हो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो गाइस, आप वीडियो को पूरा देख लेना, आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो गाइज, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइज, अब आपको पता है भाई, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर आप पपी लेके आ रहे हो या फिर डॉग लेके आ रहे हो, मैं आपके लिए डॉग के लिए भी कह रहा हूँ, अगर आपके पास बड़ा डॉग है तो भी। क्योंकि भाई देखो, शौक सभी को होता है भाई, सभी तो क्या भाई, बहुत से भाइयों को तो होता है भाई डॉग का शौक। तो और वो शौक शौक में ले तो आते हैं पपी, और उनको रखना नहीं आता भाई, उनको ये नहीं पता कि उसको सर्दियों में दें क्या, कैसे उसको सर्दी से बचाएं। और उनकी लापरवाही से भाई क्या होता है, डॉग को जुकाम हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, उल्टियाँ करने लगता है वो, कई कई बार तो भाई मर भी जाते हैं डॉग। तो मैं आपको बिल्कुल सही समझा दूंगा। और भाई, एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दिया करो। लाइक करने के ना कोई पैसे लगते हैं भाई, ना सब्सक्राइब करने के लगते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो भाई, जिससे मैं आगे वीडियो बनाऊं तो भाई खुश होकर बनाऊं कि भाई मेरे भाइयों को वीडियो पसंद आ रही है तो मैं उनके लिए बनाऊं। तो भाई, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगे, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कर दिया करो। और प्लीज़ आप कमेंट में बता दिया करो भाई, किस क्या रीज़न है आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भाई मान लो मैं डॉग ले आया पप्पी, और मुझको वो रखने का पता नहीं है, तो गाइज मैं क्या कहूँगा, उसको कुछ भी खिला दूंगा, कहीं पर भी रख दूंगा, जैसे वो बीमार हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास भागोगे, किस्मत अच्छी हुई तो भाई वो डॉग बच जाएगा वगैरह, वरना डॉग भाई मर जाता है सर्दियों में, बच्चा हो तो, पप्पी हो तो मैं आपको अच्छा सा बताऊँ भाई क्या करना चाहिए। तो भाई देखो, डॉग को सर्दी कहाँ से लगती है, पहले तो मैं ये बता दूँ भाई, अगर आप लेके आ रहे हो लॉन्ग कोट का पपी, जैसे कि सेंट बर्नार्ड और जर्मन शेफर्ड, जो भी लॉन्ग कोट के लेके आ रहे हो, तो उसको इतनी सर्दी नहीं लगेगी, बट उसको गर्मियों में प्रॉब्लम होती है, उसको सर्दियों में इतना नहीं होगा, उसकी केयर आपको इतनी नहीं करनी, वो अपने आप ठीक रहेगा, बस थोड़ी बहुत करनी है उसकी। बट जैसे कि लेब्रा है और शॉर्ट कोट, जर्मन शेफर्ड है, रोटवाइलर है, तो गाइज इनकी आपको केयर कैसे करनी है, इनको सर्दी लगती है भाई पप्पी को, डॉग को कहाँ से लगती है, एक तो भाई लगती है पेट से। एक अगर आपके पास पप्पी आता है, आप उसको उठा के देखना, जो नीचे पेट के पास भाई, नीचे जो उसके वो होती है ना, वहाँ बाल नहीं होते, वहाँ खाल सी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। और दूसरी भाई जो पार्ट होता है उनका, वो कहाँ से लगती है भाई सर्दी, जो उनके पंजे होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से, ब्लैक ब्लैक कलर के, वहां से उनको सर्दी लगती है भाई। और मैं आपको बता दूं, देसी जुगाड़, आप कैसे इसको अपने पप्पी को सर्दी से बचा सकते हो, आप कर सकते हो भाई, आपके पास कंबल पड़ा हो तो आप उसको नीचे बिछाकर डबल फोल्ड कर देना उसको, जिससे कि भाई ज्यादा गर्मी बने रहे, और उसको रख देना जहां आपको अपने डॉग को रात भर सुलाना है, क्योंकि दिन में तो भाई अगर आपके छत पर धूप आ रही हो तो आप उसको वहां रख दो, और ऐसे रख दो भाई जैसे कि वो वहां से नीचे ना आ सके या फिर कुछ ना उसके, जैसे कि आप जहाँ अपने पप्पी को रख रहे हो उसके चारों तरफ ईंट लगा दो, जैसे कि वो वहीं बैठा रहे और कहीं छाँव में ना जा सके, क्योंकि भाई उसको वो बीमार हो जाएगा अगर छाँव में जाएगा। तो आप ये जुगाड़ कर सकते हो, और सर्दियों में आप कंबल डालकर वहां बिछाकर, और मैं बता दूं भाई देखो, ऐसी जगह पर रखना जहाँ आप अपने डॉग को बांध सको, क्योंकि भाई देखो रात भर ये तो है नहीं भाई, आप रात भर उसके लिए जाग लोगे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करो, उसके लिए छोटा पट्टा जो होता है वो ले आओ, मैं नहीं कह रहा भाई पूरा दिन लगाओ, मैं कह रहा हूँ बस रात रात को लगाना है आपको, आप उसके गले में बांध कर वो, या फिर आप चेस्ट वाला ले आओ उसको बांध कर, और आप कहीं बांध दो ऐसा, और उसकी जो वो होती है भाई, वो जो तागा होता है पकड़ने वाला, उसको इतना कर दो कि वो भाई कंबल तक ही रहे, अगर वो उठकर भी चले बिना
डॉग, तो वहीं पर बैठा रहे, तो इससे ये फायदा होगा भाई, वो बाहर नहीं जाएगा और उसको सर्दी नहीं लगेगी। और कुछ भाई क्या करते हैं भाई, सर्दियों में जो नए शौकीन होते हैं वो डॉग को भाई कुछ भी खिला देते हैं जिससे वो बीमार हो जाता है। तो मैं बता दूं आपको, आपको प्लीज़ भाई सर्दियों में ठंडी चीज़ ना खिलाया करो, आप उसको गर्म करके खिलाया करो। अगर आप डॉग फूड खिला रहे हो तो उसको गर्म पानी में भिगो के दिया करो भाई। इतना भी नहीं है कि भाई आप बिल्कुल ही गर्म दे दोगे उनको, ना तो भाई बिल्कुल गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए, जो भाई मीडियम होता है उतना रख सकते हो आप, जैसे कि थोड़ा सा गर्म जो हम भी खा सके उतना, और ज़्यादा तो हो ना भाई और ना ठंडा हो, तो आप वो देते हो। और मैं आपको बताऊं, अगर भाई कोई भी बंदा दही दे रहा है अभी, तो भाई उस आप प्लीज़ रुकाओ, आप दही अब मत दो क्योंकि बहुत सर्दी हो गई है भाई। आप अंडे रेगुलर कर दो डॉग को, पपी है तो भी उसको थोड़ा सा दो, ज़्यादा मत देना क्योंकि भाई ज़्यादा दोगे तो उसको दस्त लग जाएंगे। आप उतना दो जितना वो डाइजेस्ट कर सके, ज़्यादा दोगे तो भाई नुकसान ही होगा, अगर थोड़ा दोगे तो भाई नुकसान तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा दोगे वो भी सही है, बट इतना दो भाई। अगर आपको अपने डॉग का पता कर लो ना कितने दिन का है, तो उसे उसके हिसाब से दो। ये नहीं है कि भाई आपने 4-5 दे दिए वो इतने नहीं खा पाएगा, थोड़े थोड़े करके दो। और अंडे रेगुलर कर दो भाई खाना भी, और गर्म भाई अगोज के तो थोड़ा बहुत गर्म ही खाना देना, मैंने पहले ही बताई थी ये बात। और कुछ भाई क्या करते हैं भाई, सर्दियों में अपने डॉग को नहला देते हैं। सर्दियों में क्या उनको नहलाने की आदत होती है कि भाई मेरा डॉग अच्छा रहे, ये रहे सुंदर दिखे, तो भाई डॉग सुंदर ही है आपका, प्लीज़ उसको नहलाओ मत, क्योंकि भाई गर्मियों में तो भाई बात अलग होती है, आप उसको नहला सकते हो चाहे कितनी बार भी नहला लो, बट अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं आपको बता दूं, जो आप पपी लेकर आते हो उसको आपको कितने टाइम तक नहीं नहलाना चाहिए, उसको आपको 3.5 से 4 महीने नहीं नहलाना, क्योंकि भाई अभी वो बच्चा है, बीमार हो सकता है कभी भी, और सर्दियों में तो बिल्कुल ही भाई पानी मत लगने देना उसको, क्योंकि भाई थोड़ा सा पानी लगते हुए बीमार हो जाएगा और इसका रिजल्ट भाई फ्यूचर में आपको ये मर भी सकता है आपका पप्पी। तो प्लीज़ भाई आपने पैसे लगा रखे हैं जिस चीज़ पर, और एक ज़िंदगी है भाई आपके पास, मैं डॉग की बात कर रहा हूँ पप्पी की, तो आप उसको बचा के रखो जितना हो सके, क्योंकि भाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर तो वो अपने आप ही सर्दी लेगी, वहीं कंबल में बैठ जाया करेगा, गर्मी लगेगी तो पंखे के नीचे आ जाया करेगा। तो गाइज आप प्लीज़ मैंने जो बताया उस बात पर आप करना एक बार, और मैंने आपको बताया बिल्कुल देसी जुगाड़ बताया भाई, देसी नुस्खा, और भाई यूट्यूब पर बता रहे हैं कि भाई आप उसको ये मेडिसिन दो अपने डॉग को, पप्पी को ये दो ये दो। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी मेडिसिन मत दो, आप इससे ही उसको बचा सकते हो, ज़्यादा सर्दी नहीं लगी बस। अगर आप हो सके तो कुछ भाई क्या करते हैं, मैंने देखा है भाई वीडियो में, तो उनसे भी मुझे नॉलेज मिली है थोड़ी, तो उन्होंने एक 100 वाट का जो बल्ब होता है वो जलाया हुआ था डॉग के, थोड़ा ऊपर इतना नीचे भी नहीं, थोड़ा ऊपर कि उसको गर्मी मिल सके। तो गाइज वो आइडिया मुझे अच्छा लगा, नॉलेज मिली उस भाई की वीडियो देखकर मुझे, तो आप वो भी कर सकते हो, 100 वाट का बल्ब लगा सकते हो, जिससे कि आपका भाई सर्दी है, मान लो भाई कितनी भी सर्दी हो आपका डॉग बीमार बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप डॉग को बार बार बाहर घुमाने ले जा रहे हो तो आप बंद कर दो, क्योंकि थोड़ा बाहर निकालोगे तो उसको सर्दी लग जाएगी भाई, जुकाम और भाई लूज मोशन लगने के बहुत ज़्यादा खतरा है भाई, उससे डेथ भी हो सकती है आपके डॉग की थोड़ी सी ठंडी हवा से ही। तो प्लीज़ अपने डॉग को जितना बचा के रख उसको बचा के रखो भाई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना अपने डॉग लवर्स भाई के साथ जिनको नहीं पता, और नया नया शौक लगा जिनको, तो गाइज प्लीज कमेंट कर दिया करो यार, एक मोटिवेशन मिलता है भाई कि और वीडियो बनाऊं मैं, तो थैंक यू गाइज वीडियो पूरा देखने के लिए, और अगेन एंड अगेन थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए।